नागिन 5 के सेट से आ रही इन तस्वीरों के आते ही फैंस के बीच हड़कंप मच गया है। क्या बानी को छोड़कर वीर ला रहा है दूसरी सौतन, क्या वीर कर रहा है दूसरा गंधर्व विवाह, या फिर एक बार फिर से पुनर्जन्म की यादें लौटने वाली हैं नागिन की कहानी में। आखिर क्या है वीर की दूसरी शादी का रहस्य? जी हाँ, जब से नागिन के सेट से आई ये तस्वीर वायरल हुई है तभी से वीर और बानी की जोड़ी पसंद करने वाले फैंस के बीच हाहाकार मचा हुआ है। लोग पूछ रहे हैं कि क्या वीर और बानी के बीच जुदाई का लंबा ट्रैक आने वाला है या फिर हमेशा हमेशा के लिए बानी की सौतन बनेगी ये नई हीरोइन। आखिर क्या है पूरा माजरा, आइए आपको एक एक तस्वीर दिखाते हुए इस एंट्री से जुड़ी पुरानी कहानी भी बताते हैं और लेटेस्ट अपडेट भी। देखिए, सबसे पहले नागिन के सेट से ये तस्वीरें सामने आई थी जिसमें प्रियंवदा दिखाई दे रही हैं। वहीं दूसरी तरफ शरद डांस प्रैक्टिस करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि इन तस्वीरों में प्रियंवदा का फेस तो नजर नहीं आ रहा, लेकिन सामने आई इन तस्वीरों में प्रियंवदा को देख फैंस काफी एक्साइटेड हो गए थे। वहीं इसके बाद ये तस्वीर भी सामने आई जिसमें डायरेक्टर प्रियंवदा को कुछ समझाते हुए नजर आ रहे हैं। और अब इस शादी वाली तस्वीर के सामने आते ही कई नए सवाल भी खड़े हो गए हैं कि क्या प्रियंवदा का रोल वीर के पिछले जन्म से ही जुड़ा रहने वाला है? कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रियंवदा वीर के पिछले जन्म का प्यार हो, और क्या वो भी बानी की सतयुग की दुश्मन ही है जिसे पूरा करने और वीर को पाने के लिए वो एक बार फिर से इस जन्म में लौटी है वीर की दूसरी पत्नी बनकर। क्योंकि खबरों की माने तो प्रियंवदा का किरदार शो में एक आम लड़की का नहीं होने वाला, उसके पास भी बेहद ही अद्भुत शक्तियां होने वाली हैं। और नागिन में अब तक जितने भी पावरफुल किरदार सामने आए हैं सभी के तार वीर और बानी के सतयुग के जन्म से जुड़े हुए ही दिखाए गए हैं। ऐसे में शायद प्रियंवदा का किरदार भी सतयुग के किसी अनसुलझे रहस्य से पर्दा उठाता नजर आ सकता है। लेकिन वीर की इस दूसरी शादी से ये भी कहीं ना कहीं साफ हो चुका है कि वीर और बानी का मिलन यूं ही आसान नहीं होने वाला, बल्कि इस दूसरी शादी के ट्विस्ट से दोनों के बीच एक बार फिर से दूरियां आती नजर आएंगी। साफ है कि प्रियंवदा की एंट्री से शो में ऐसा तूफान आएगा जो बानी की जिंदगी में नई तबाही को लेकर आएगा। वैसे आपको क्या लगता है, क्या वाकई प्रियंवदा के किरदार की कहानी वीर और बानी के सतयुग के जन्म से जुड़ी होगी, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि बानी को प्यार का एहसास करवाने के लिए वीर ने ये नया शादी का ड्रामा रचा हो? क्या है आपकी ओपिनियन, शेयर कीजिए नीचे कमेंट सेक्शन में।